स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेस से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,33,000 रुपए भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोसवी भी थे। मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। चूंकि इस रेड में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उसके बाद उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी भीड़ जो कि इकट्ठा हो गई थी, तमाम सारे कैमरे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको एनसीबी ऑफिस में लाया गया। जितने भी लोग यहाँ पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। यहाँ तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम की में दर्ज देखिए पहली चीज ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी जाति, धर्म, पार्टी या एफिलिएशन के आधार पर काम नहीं करते हैं। सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय के सुपरविजन में काम करते हैं। जो 6 लोगों में क्या नाम बता रहे क्या बीजेपी के नेताओं की तरफ से फोन आया था आपको इन 3 लोगों को के लिए? एक मिनट, अरे मराठी हो गया, ए भाई अलीशा, एक मिनट, मराठी हो गया। सर लाइव चालू है, मराठी होते सर, पहले मराठीत बोला मैं कंप्लीट करा प्लीज। नहीं नहीं, 2 मिनट थामा ना। देगा ना, क्यों देगा? ये बात यहीं से साबित हो जाती है कि वो इंडिपेंडेंट विटनेस है, क्योंकि जो भी विटनेस हमें बताएगा हम उसको वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं। इस ऑपरेशन में जो 2 पंचनामे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो अलग अलग स्थान पे बने हैं,
तो जो भी हमारे गवाह ने एड्रेस बताया वो उस पर अंकित किया गया है। इसी वजह से वो दो अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पे बने। हम अपना काम पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से कर रहे हैं। इस बात का मुझे विश्वास है कि एनसीबी जोनल यूनिट मुंबई में सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उसका सबूत पिछले एक साल में हुए गए ड्रग सीजर्स और इस चैलेंज को किस तरीके से हम लोगों ने लिया है, आप सब उसके साक्षी हैं। बाकी और लोग क्या कह रहे हैं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। नवाब मलिक का दामाद है समीर खान और आए हैं, आपका इस पर क्या कहना है? क्वेश्चन पूछा है जो जो आपने अभी प्रश्न पूछा है, ये जैसा कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं ये क्या कहते हैं उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो उन्हें कहना है वो कहते हैं, हम हमें जो कहना है माननीय न्यायालय के सामने। समीर खान के आरोप पर क्या कहेंगे सर? समीर खान के आरोप पर क्या कहेंगे कि वो ड्रग्स नहीं थे सर? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।